हिंदू शास्त्रों के अनुसार परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि परशुराम अपनी माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता के कहने पर उन्होंने अपनी माता के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान परशुराम माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि के चौथी संतान थे। वे आज्ञाकारी होने के साथ साथ उग्र स्वभाव के भी थे। उन्होंने अपने पिता के आदेशानुसार तुरंत अपने परशु से अपनी माँ के सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। यह देखकर ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र से बेहद प्रसन्न हुए और भगवान परशुराम के आग्रह करने पर उनकी माता को पुनः जीवित कर दिया गया। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। एक बार की बात है जब भगवान परशुराम की माँ रेणुका स्नान करने सरोवर में गई थी। संयोग वश वहाँ के राजा चित्ररथ नौका विहार कर रहे थे। उन्हें देखकर ऋषि पत्नी के हृदय में विकार उत्पन्न हो गया और वह उसी मनोदशा में आश्रम लौट गई। आश्रम में जब ऋषि जमदग्नि ने पत्नी की यह विकारग्रस्त दशा देखी तो उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से सब ज्ञात हो गया, जिसकी वजह से ऋषि बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश देते हुए कहा कि अपनी माँ का सिर काट दो। उनकी इस आज्ञा का पालन किसी भी पुत्र ने नहीं किया, लेकिन जब पिता ने ये आदेश परशुराम को दिया तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माँ का सिर काट दिया। परशुराम से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम ने अपने पिता से माता को पुनः जीवित करने का वरदान मांग लिया और इस तरह वो अपने पिता के आज्ञा का पालन करने से इनकार भी नहीं कर पाए।